हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मानस क्लासेस। हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स से। सो हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, ये थर्ड पार्ट है। इस पार्ट में हम सीखने वाले हैं 13.3 के रिलेटेड जो है सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो आपको पता ही चल गया होगा कि सिलेंडर मैंने कहा है, तो आप सबसे पहले सिलेंडर वर्ड आता है तो माइंड में एक ही इमेज आती है, गैस का जो सिलेंडर आता है वो, तो उसका भी शेप वही है, जो पूरा शेप होता है उसका ऐसा ही होता है। ऊपर हाँ, वो ऊपर होता है स्टाउ लगाने के लिए, बट वो हम निग्लेक्ट कर देंगे। बट हम सिलेंडर माइंड में होगा तो इमेज ऐसी ही बननी चाहिए कि ये सिलेंडर है, ठीक है। तो उसका सरफेस एरिया मतलब बाहर की जो गोलाई है, बाहर का एरिया बॉर्डर, उसको हम सरफेस एरिया कहें, ठीक है। तो वो सिलेंडर होता है मतलब गोल ही होता है। गोल राउंड का एरिया क्या होता है? यस, पाई आर स्क्वेयर के 2 पाई आर। यस, एरिया होगा तो वो होगा पाई आर स्क्वेयर, बट पैरामीटर होगा तो वो क्या होगा? 2 पाई आर। सो उसी के बेस पर हम सिलेंडर का सरफेस एरिया करेंगे। यस, वन मोर थिंग, आप यहाँ पे इमेज में देखो, ये सिलेंडर का शेप नहीं है। सिलेंडर का सिर्फ शेप यही करेक्ट है, बाकी ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसका हम एरिया फाइंड नहीं कर पाएंगे। फाइंड कर सकते हैं इसका भी एरिया, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है, उसका एरिया कैसे फाइंड करना है। सो सिलेंडर बनाना हो तो आप रेक्टेंगल पेपर ले लें और उसको ऐसे यहाँ से इसको और इसको जॉइंट कर देंगे या इस साइड, तो आपको सिलेंडर मिल जाएगा, ठीक है। तो सिलेंडर का शेप कहाँ से बनता है? रेक्टेंगल जो होता है उसको जोड़ देंगे तो सिलेंडर का शेप बन जाएगा। तो उसका फॉर्मूला भी हम उसी तरीके से बनाएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल शीट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। सो हमें क्या मिलेगा? पैरामीटर बेस ऑफ सिलेंडर इनटू हाइट। तो राउंड बनता है, वो पैरामीटर राउंड बनता है तो वो क्या होता है? 2 पाई आर। सर्कल का पैरामीटर क्या होता है? 2 पाई आर। उसके साथ हाइट मल्टीपल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हाइट है ना, सिर्फ सर्कल तो नहीं है, हाइट भी है, तो उसके साथ हम हाइट मल्टीपल कर देंगे तो हमें फॉर्मूला मिलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल सिलेंडर, ठीक है। सो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मिला है 2 पाई आर, जो वो सर्कल के लिए होता है 2 पाई आर, और हाइट ऐड कर देंगे। तो आप देखो यहाँ पे एरिया में हमने ऊपर ये पेपर हमने बेंड किया है, ये पेपर, तो उसमें ऊपर का कवर नहीं होता है और नीचे का कवर भी नहीं होता है, वो ओपन होता है, वो क्लोज नहीं होता है सरफेस, वो ओपन होता है। तो वो क्या है? कर्व्ड है। कर्व्ड मीन्स जो बाहरी है वही, ऊपर का और नीचे का हमने लिया नहीं है अभी तक। नाउ नेक्स्ट में हम देखेंगे, यहाँ पे देखो हमने ऊपर भी कवर लगाया और नीचे भी कवर लगाया। तो ऊपर कवर लगाया तो ये भी एक सर्कल है, ऊपर नीचे लगाया तो नीचे ये भी एक सर्कल है, तो दो सर्कल है। दो सर्कल का पैरामीटर की एरिया कितना होता है? कवर हुआ है मतलब ऊपर का भाग भी ले लेना है, उसका सिर्फ बॉर्डर नहीं लेना है, बॉर्डर तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही। अब देखो बॉर्डर तो ऑलरेडी है ही, बट हमें अंदर का एरिया भी अभी ले लेना है, क्योंकि वो भी पार्ट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। तो सिर्फ बॉर्डर का नहीं लेना, क्योंकि बॉर्डर तो ऑलरेडी है, तो बॉर्डर लेने का कोई फायदा नहीं हुआ, तो हमें एरिया लेना है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? यस, पाई आर स्क्वेयर, बट यहाँ पे एक है और दो है तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वेयर। तो हमारे पास जो पाई आर एच है उसमें दो सर्कल का एरिया ऐड कर देंगे 2 पाई आर एच, तो हमें फाइनली फॉर्मूला क्या मिलेगा? 2 पाई आर। यहाँ से हमने ऐड किया है यहाँ पे ऐड, तो यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन है तो 2 पाई आर कॉमन निकाल लिया, और आर प्लस एच जो बचा है वो लिखा है। आपको एग्जाम के टाइम पे सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अगर एग्जाम के टाइम आपको याद ना आए तो क्या करना है? सिंपली सिलेंडर का एरिया फाइंड करो, कर्व्ड सरफेस का एरिया फाइंड करो, और
दो जो सर्कल हमने ऐड किए हैं उसका एरिया उसमें ऐड कर दो ताकि हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। अगर एग्ज़ाम के टाइम में आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आता है तो, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो कुछ भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हुआ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सो उसके रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखो आप पाई की वैल्यू मिली है, यहाँ पे पाई आता है तो पाई की वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी, हमने लोअर क्लास में पढ़ा है पाई की वैल्यू 22/7 हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो कई बार जो क्वेश्चन में हमें मेंशन किया ही होगा कि पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 22/7 लेनी है या 3.14 लेनी है, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया ही होगा। अगर दिया नहीं है तो हम अपने तरीके से वैल्यू ले सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 है, सावित्री हेड मेक अ मॉडल ऑफ सिलिंड्रिकल कैलेडोस्कोप फॉर हर साइंस प्रोजेक्ट। वो कैलेडोस्कोप बना रही है, उसमें क्या होता है कि एक राउंड शेप वाला सिलेंडर ही होता है, सिलिंड्रिकल यहाँ पे लिखा ही है कैलेडोस्कोप में, साइंस प्रोजेक्ट। शी वॉन्टेड टू चार्ट पेपर टू मेक अ कर्व्ड सरफेस, उसको चार्ट पेपर लेना है उसके लिए, कर्व्ड सरफेस ऑफ कैलेडोस्कोप स्कोप, व्हाट वुड एरिया ऑफ चार्ट पेपर रिक्वायर बाय हर, शी वांटेड टू मेक अ कैलेडोस्कोप लेंथ, उसकी लेंथ कितनी है 25 और रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। लेंथ है 25 सेंटीमीटर और रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। और पाई की वैल्यू देखो आप यहाँ पे दी ही गई है, मैंने कहा था वैसे पाई की वैल्यू ऑलरेडी वो दे देते हैं जैसा मैंने कहा था। सो नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं। बनाना क्या है कि एक चार्ट पेपर को राउंड शेप, जो सिलेंडर बनाना है वहीं, आप देखो यहाँ पे सिलेंडर ही बना है और पीछे भी ऐसा ही होगा। तो आप देखो ये ओपन है या क्लोज है, यस ये ओपन है क्योंकि हमें कैलेडोस्कोप में से देखना होता है, तो उसमें से एरिया हम क्लोज कर देंगे तो कुछ दिखेगा ही नहीं, तो वो ओपन ही रहता है, ठीक है, दोनों तरफ ओपन है। सो हाइट मीन्स एज हमें दिया है 25 सेंटीमीटर और रेडियस हमें कितनी दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास है एरिया ऑफ चार्ट पेपर रिक्वायर मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कैलेडोस्कोप। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2πRh, तो हमें सिर्फ वैल्यू मिलनी है, रखनी है पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू और एच की वैल्यू हमें पुट करनी है सिर्फ, नथिंग एल्स। सो पाई की वैल्यू है 22/7 यहाँ पे दी गई थी, 22/7 वही हमने ली है, और आर की वैल्यू है 3.5 जो हमें ऑलरेडी पता है यहाँ पे, और एच की वैल्यू है 25 जो भी हमारे पास थी। इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको मिलेगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये यूनिट भूलना नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 1-2 एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 13.2 का, क्वेश्चन नंबर 1-3 एंड 4 and 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हम फर्स्ट 5 क्वेश्चन ही सीखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पाई की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है 22/7 तो वो हमें याद रखना है, ठीक है। सो अप टू देयर, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।